बोलो अमर, क्यों फोन कर रहे हो बाबू? अब तक खफा हो मुझसे? तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरे खफा होने या ना होने से तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ क्यों फोन कर रहे थे? मैंने तुम्हारे थैंक यू करने के लिए फोन किया। मुझे? हाँ, तुम्हारे भाई ने मेरी हेल्प जो की, इसलिए। इसके लिए मुझे थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो दानियाल भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो भी तुम्हें वक्त पे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अरे उनसे तो मैं सॉरी करूं, मॉम ने बताया मुझे, माहा ने जो सीन क्रिएट किया, मुझे तो ये सोच के अजीब लग रहा है कि कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी तुम लोगों के लिए। ये माहा कभी भी अकल से काम नहीं लेती, इसकी वजह से हमेशा तुम्हारे लिए कोई ना कोई नया इशू खड़ा हो जाता है। किस मिट्टी के बने हो? माहा ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, उसने तुम्हारी परवाह और फिक्र में वो सारी बातें की, और तुम मेरे सामने उसी की बुराई कर रहे हो। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक था, तुम माहा का प्यार डिजर्व ही नहीं करते। डिजर्व तो मैं तुम्हारा थप्पड़ भी नहीं करता था ईमान, जो तुमने सिर्फ मेरी पसंदीदगी के इजहार में मेरे मुंह पे मार दिया। आज भी मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब तुमने मुझे बस कर दो अमर, तुम्हें सारा इशू मुझसे है ना, तो तुम माँ को हथियार बनाकर उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा तो फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें माँ से शादी नहीं करनी चाहिए, तुम ऐसा कैसे? माँ, ठीक है, नहीं करूंगा।